नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके ही अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दिन भर के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आगे चलेंगे इसी वीडियो में, एक एक करके सभी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा आगे इसी वीडियो में। दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। शिवसेना आखिर किसके? सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग के एक्शन पर रोक बरकरार। अब 27 को होगी अगली सुनवाई। उद्धव ठाकरे गुट को राहत है और वहीं शिंदे गुट को लगा है तगड़ा झटका, क्योंकि शिंदे गुट ने मांग की थी तत्काल सुनवाई की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे गुट के बीच शिवसेना के हक को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और 5 जजों की संविधान पीठ में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शिंदे गुट ने कोर्ट से मांग की है कि चुनाव आयोग की कार्रवाई पर लगी रोक हटाए जाने का आदेश जारी किया जाए, जबकि ठाकरे गुट इसका विरोध कर रहा है। फिलहाल चुनाव आयोग को कार्रवाई नहीं करने का निर्देश जारी रहेगा, जो कि CJI के बेंच ने जारी किया था। ये एक तरह से शिंदे गुट के लिए झटका माना जा रहा है और अब पूरे मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 27 सितंबर को होनी है। एक और अपडेट जान लेते हैं। 3500 किलोमीटर की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा की राहुल गांधी ने कर दी है शुरुआत। राहुल गांधी अपने साथ लेकर के चल रहे हैं एक तरह से चलता फिरता गांव। खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को एकजुट करने और पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है। आप लोगों को बताते चलें, यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर के कश्मीर में समाप्त होगी। 150 दिनों तक चलने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देश के 12 राज्यों से होते हुए गुजरेगी और 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। राहुल गांधी के साथ में कांग्रेस के नेता और सिविल सोसाइटी से जुड़े करीब 300 लोग पदयात्रा में शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य यहां पर भारत के लोगों को एकजुट करना है और नफरत की राजनीति को हराया जा सके, इसलिए यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है। और वहीं इस बीच कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है यह और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ये यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आया है। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि नफरत और बंटवारे की राजनीति में मैंने अपने पिता को खो दिया, मैं अपने प्यारे देश को भी इसमें नहीं खोऊंगा। प्यार नफरत को जीत लेगा, आशा डर को हरा देगी, हम सब मिलकर के मात देंगे। ये यहां पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और कहा है कि हम सबको एकजुट रहना है और मिलकर के नफरत की राजनीति को हराना है। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई भारत जोड़ो यात्रा की। आज से शुरुआत हो चुकी है। आप लोग भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में खड़े हैं या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। अगली अपडेट जान लेते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की आज से हो चुकी है शुरुआत। दक्षिण की 129 लोकसभा सीटों पर होगी नजर। खबर बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है। आप लोगों को आगे बताते चलें, ये यात्रा 5 महीने तक चलेगी, जिसमें 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 3500 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस दक्षिण भारत की लोकसभा सीटों पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने का पूरा प्रयास करेगी। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोकसभा की 129 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की खास नजर होगी। आगे आप लोगों को आंकड़े बताते चलें, दक्षिण भारत के 5 राज्यों की 129 लोकसभा सीटों में से पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 28 सीट मिली थी, जबकि BJP ने 29 सीटों पर कब्जा किया था। इनमें भी केवल कर्नाटक में BJP ने 25 सीटें जीती थी, बाकी के राज्यों में लगभग भाजपा की स्थिति बहुत ही खराब रही। कांग्रेस इन 5 राज्यों में पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरा जोर लगाएगी। यदि यहां पर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती है तो उसे सत्ता की चाबी मिलने में अधिक कठिनाई नहीं होगी और एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में लौट सकती है। अगर दक्षिण के इन 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया और मजबूत पकड़ बनाई तो एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। तीसरे मोर्चे की होगी स्थापना। ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में
25 को होगी एक विशाल रैली। नीतीश कुमार समेत कई विपक्षी नेता रहेंगे रैली में मौजूद। खबर बताते चलें, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में विपक्षी एकजुटता की तस्वीर सामने आने वाली है। आपको बता दें कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में फतेहाबाद में 25 सितंबर को इनेलो की रैली होने वाली है। इस रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। और खबर के अनुसार कहा जा रहा है कि इनेलो की होने वाली रैली में तीसरे मोर्चे की स्थापना होगी। इस रैली का नेतृत्व यहां पर ओम प्रकाश चौटाला करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनेलो के नेता अभय चौटाला ने बताया है कि रैली में नीतीश कुमार समेत तमाम विपक्षी नेता मौजूद रहेंगे, जहाँ से तीसरे मोर्चे की स्थापना होगी। और लगातार यहां पर विपक्षी एकजुटता में नीतीश कुमार जुटे हुए हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार पहली दफा राष्ट्रीय राजधानी के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी, भाकपा के महासचिव डी राजा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी समेत तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात की है। और यहां पर लगातार नीतीश कुमार की कोशिश है कि 2024 के चुनाव में विपक्ष एकजुट होकर के लड़ाई लड़े, तभी बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। ये यहां पर खबर है। अगली अपडेट जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कर दिया है बड़ा ऐलान। कहा, कार में बैठे सभी लोगों को लगानी होगी अब सीट बेल्ट, नहीं तो कटेगा चालान। खबर जान लेते हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य हो गया है। गडकरी ने कहा है कि टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत के बाद सरकार ने कार में पिछली सीट पर बैठे यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए इस अहम फैसले को लिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आगे कहा है कि सरकार के फैसले का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना देना होगा। उन्होंने आगे कहा है कि इस फैसले को 3 दिन के भीतर पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। ये यहां पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। 2024 के लिए भाजपा में अभी से ही मंथन शुरू। 144 सीटों पर पार्टी को मजबूत करने का लक्ष्य है। पार्टी की रिपोर्ट में हुआ है खुलासा, 144 सीटों पर पार्टी बेहद ही कमजोर है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को अभी से तैयार करना शुरू कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्य रणनीतिकार अमित शाह ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में इस सिलसिले में एक अहम बैठक की है। इस बैठक में शीर्ष मंत्री भी शामिल हुए। बैठक में आगामी चुनाव में 144 कमजोर लोकसभा सीटों पर मंथन किया गया है और इस बात पर चर्चा की गई है कि कैसे आखिर इन सीटों पर पार्टी को मजबूत किया जा सके। ये यहाँ पर इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।